हेलो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा। हाय, आप सभी कैसे हैं? ठीक ही होंगे, अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे विद कोविड-19। फॉलो कीजिए, क्योंकि भारत में ही हमारे हिसाब से इतने सारे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं जिसको देख देख के डर लग रहा है। सो प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए, अवॉइड कीजिए घर से ज़्यादा बाहर निकलना। आपको जब बहुत रिक्वायरमेंट हो, इमरजेंसी हो, तो ही आप घर के बाहर निकलें। ओके, आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हम कोर्स टू की सीरीज चला रहे थे, तो कोर्स टू में हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हो गए थे। इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की है, तो मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, आपके कैसे अधिकार हैं जिनको हमारे भारतीय संविधान ने दिया हुआ है, और ये पार्ट थ्री में रखे गए हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल बात की थी हमने। ठीक, और आपको पांचों छहों अधिकार भी बताया था, और संपत्ति का अधिकार हट गया है इसको भी बताया था। इसको संपत्ति के अधिकार को हटाकर हमने कानून के अधिकार मिला दिया है। छह अधिकार जो हैं हमारे इस समय करंट टाइम में, वो फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। पार्ट थ्री को मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, जो कि ब्रिटेन की संसद से लिया गया था, और वो किसके राइट्स की बात करते हैं, मजदूरों के राइट्स की बात करते हैं। फिर मैंने आपको आर्टिकल भी बता दिया था कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स कौन कौन के आर्टिकल्स को फॉलो करते हैं, इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे अभी आज वाले वीडियो में। ठीक, इसके बाद हमने फीचर्स भी बता दिया था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया है, वो इंडिया से लिया गया है, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स को, ये क्वालिफाइड है। ठीक है, इसके बाद परमानेंट भी है, लेकिन इमरजेंसी की कंडीशन आएगा तो उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 12 की भी बात कर दी हमने कि गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं, इसके बारे में बात की थी हमने। ठीक, इसके बाद हमने आर्टिकल 13 की भी बात की थी, तो आर्टिकल 13 में भी बता दिया था कि आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है वो किस तरह के लॉज बनाती है, किस तरह का लेजिस्लेशन फॉलो करती है, उसका सोर्स क्या था, उसका नेचर क्या था। अभी हम फटाक से अपने टॉपिक पे आते हैं, फटाफट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आपको पता है यहाँ पे छह राइट्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहला राइट्स की बात करते हैं हम, राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार, या इसी को समता का अधिकार भी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे आर्टिकल 14 से 18 के बारे में बात करेंगे। जैसे इससे पहले समझ लीजिए कि राइट टू इक्वलिटी होता क्या है। राइट टू इक्वलिटी का मतलब है कि जैसे भारत में मान लीजिए अनेक प्रकार की असमानता व्याप्त है, इनइक्वलिटी आपको पता है। ठीक है, तो जिन्हें समानता के अधिकार के द्वारा क्या करने की कोशिश की गई है, उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया है, उन्होंने सबसे पहले इस लॉ को ही प्रायोरिटी दी है कि राइट टू इक्वलिटी हमारे भारत में होना ही चाहिए, ताकि जो मतलब जो इनइक्वलिटी फैली है समाज में उसको कम किया जाए। तो ये है समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार सभी के लिए, चाहे वो लोअर कास्ट हो, चाहे वो मिडिल फैमिली हो, चाहे वो अपर फैमिली हो, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, लेता हो, सभी की समान की अधिकार के समानता की बात की गई है। यानी कि उसको किसी भी बेसिस पे उसको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, उसको ये समानता का अधिकार प्राप्त है अगर वो भारत का नागरिक है तो। ठीक है, तो समानता का अधिकार में अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, यानी कि आर्टिकल 14-18 के बारे में बात की गई है। और आपको पता है कि राज्य के लिए जो ये नागरिक हैं, मतलब सभी नागरिक समान है ना उनके लिए, चाहे वो धर्म के बेस पे हो, या कास्ट के बेस पे हो, सेक्स के बेस पे हो, या वो जहां मतलब उसके जन्म स्थान के बेसिस पे हो, तो इनके आधार पर किसी भी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अगर ये करता है तो ये इस लॉ के विरुद्ध काम करता है, और उसके हिसाब से उसके खिलाफ गवर्नमेंट या लॉ जो बना है वो एक्शन ले सकती है। तो ये है हमारा समानता का अधिकार। अब डिस्कस करते हैं आर्टिकल 14 क्या है। तो आर्टिकल 14 की बात करते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब है कानून। कानून क्या है, आपको पता है आर्टिकल 14 के हिसाब से कानून सभी के लिए सेम है। भारत राज्य क्षेत्र में सब व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर समझे जाएंगे, यह आर्टिकल आपको ये कहता है। और कानून सबकी क्या होगी, समान रूप से रक्षा भी करेगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कानून ऊंच नीच और गरीबी अमीरी इस तरह की चीजों को नहीं देखेगा। यानी कि कानून के समक्ष क्या हुआ, सभी व्यक्तियों को, नागरिकों को न्याय प्रदान करने का अधिकार है। ओके, हम इसी के बारे में बात करते हैं। और वहां भी क्या होगा, सभी नागरिक समान होंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए समान अपराध है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी क्या होगा, सेम होगा। मान लीजिए किसी अमीर व्यक्ति ने ही मर्डर कर दिया तो उसके लिए भी फांसी की सजा होगी, और किसी गरीब व्यक्ति ने भी मर्डर कर दिया है तो उसके लिए भी फांसी की सजा सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये लॉ है और लॉ सबके लिए सेम है। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने पैसा चुराया है, तो लोअर कास्ट के व्यक्ति ने पैसा चुराया है तो उसके लिए भी वही पनिशमेंट होगी, और किसी और बंदे ने पैसा चुराया तो उसके लिए भी वही पनिशमेंट होगी। यानी कि यहाँ पे लॉ एक जैसा होगा, ये कहता है आर्टिकल 14, याद रखिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 में देखिए क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक,
भेदभाव का विरोध है ना, भेदभाव का विरोध इन द सेंस की अगर 15 की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा राज्य है वो धर्म, जाति, सेक्स, बर्थ प्लेस, इनके आधार पर नागरिकों के जीवन में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करेगा कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, किस धर्म का है, किस कल्चर का है, कहाँ पैदा हुआ है, इसका मूल वंश क्या है, इसकी कास्ट क्या है, तो इन सब चीजों में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी गवर्नमेंट। इस अधिकार के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों का उपयोग करने का भी अधिकार है, ठीक है। यानी कि अगर आप मंदिर में जाना चाहते हैं, कोई मुस्लिम मंदिर में जाना चाहता है तो उसके लिए भी उसको बाउंडेशन नहीं है, कोई हिंदू मस्जिद में जाना चाहता है तो उसके लिए भी उसको बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर भी एक तरीके से देखा जाए तो समता के आधार की बात की गई है, ठीक है, अधिकार की बात की गई। तो ये तो आर्टिकल 14 और 15 था, आई थिंक आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल 16 की बात करते हैं, तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है तो उसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब लोक निर्माण आप कह सकते हैं, लोक नियोजन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट मतलब सेक्टर्स होंगे, ठीक है, उनके लिए सभी के लिए सेम एम्प्लॉयमेंट की सुविधा है, सेम एम्प्लॉयमेंट की समानता है। अनुच्छेद 16 की अगर अंतर्गत बात करते हैं हम, तो जो नागरिकों का जैसे मान लीजिए वोकेशनल है या गवर्नमेंट जो पोस्ट हैं उनको प्राप्त करने के लिए सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें जो पिछड़ी जाति है जैसे माइनॉरिटीज की बात करते हैं हम, तो उनके लिए अलग से रिजर्वेशन है, आपको पता है आर्टिकल 335 के तहत, ठीक है। तो आर्टिकल 335 में जो है वो अल्पसंख्यक बोल सकते हैं या आप पिछड़ी जाति बोल सकते हैं, बैकवर्ड कास्ट के लिए काफी काम किया है। तो 335 आर्टिकल को में इस बारे में बात किया गया कि बैकवर्ड कास्ट को छोड़कर, ठीक है, सभी के लिए समानता का अधिकार है गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर के पदों के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ गए, अवसर की समानता, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे कोई भी सेक्टर हो। नेक्स्ट है ये आर्टिकल 16 की बात थी। आर्टिकल 17 की क्या बात है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, यानी कि अस्पृश्यता का निषेध या छुआछूत भी कह सकते हैं आप इसको, छुआछूत का विरोध है। यानी कि 17 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी व्यक्ति जो है या कोई भी नागरिक है, वो होटल हो गया, सिनेमा घर हो गया, रोड हो गया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जा सकता है, उसको कोई भी रोकेगा नहीं, ठीक है। और अस्पृश्यता करने वाले व्यक्ति को अगर, मतलब मान लीजिए कोई मुस्लिम मंदिर में जाना चाहता है, पुजारी ने उसको जाने नहीं दिया या कमेटी ने उसको जाने ही नहीं दिया, तो इस केस में उसको छह महीने की जेल भी हो सकती है ना, 6 महीने जेल हो सकती है अगर इसको वो तोड़ता है तो ये आर्टिकल भी मैटर करता है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, 6 महीने की जेल हो सकती है या 1,000 रुपए आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ये मोटा मोटा है, याद रखिएगा, 1,000 रुपए जुर्माना भी देना पड़ सकता है, पेड करना पड़ सकता है 1,000 रुपए। तो आप ये छुआछूत की चीजों को खत्म कीजिए सोसाइटी से, तो तभी डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा, है ना, कि कोई नीचा ऊंचा नहीं है, सभी व्यक्ति बराबर है। यहाँ पे आर्टिकल 17 याद रखिएगा और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, काफी पूछा जाता है अस्पृश्यता या छुआछूत के बारे में, किस आर्टिकल में बात की गई है अनटचेबिलिटी और प्रोहिबिशन के बारे में, तो आर्टिकल 17 है हमारा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, यानी कि उपाधियों का अंत। इसमें क्या बोला गया है, इससे पहले वाली अगर उसमें बात की जाए तो आपको पता है कि ब्रिटिश शासन था हमारे यहाँ, ठीक है, तो उसमें ये कंप्लेन आ रही थी कि जितने भी मान लीजिए पब्लिक जीवन को, कष्ट को सार्वजनिक करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उपाधियों को प्रकट करने की शक्ति का प्रयोग कर रही थी, तो अतः नागरिकों को जो भेदभाव था उनको दूर करने के लिए क्या किया गया था, वो चीज उपाधियों का अंत कर दिया गया था। यानी कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी जो मतलब नागरिक होगा विदेशी सरकार से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, वो इसलिए क्योंकि देखिए जिसको उपाधि मिल गई है जाहिर सी बात है वो अपने आप को क्या समझेगा, ओवर एंड ऑल, मतलब अपने आप को ही सब कुछ समझेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस पर स्टे लगा दिया था, और स्टे लगा दिया था कि उनकी परमिशन के बिना कोई भी फॉरेन से अगर कुछ भी उपाधि उसको मिल रही है तो उसको वो गवर्नमेंट ग्रहण नहीं करने देगी, ठीक है। और स्पेसिफिक चीजों में देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कुछ लोग बहुत एबिलिटी रखते हैं, जैसे पब्लिक प्लेस की बात की, यूनिवर्सिटी वगैरह हो गई, लीडर वगैरह हो गए, आपके टीचर्स हो गए, तो उनको जो उपाधियां मिलती है, ठीक है, उनको जो सम्मान वगैरह मिलता है तो वो गवर्नमेंट प्रदान करती है, ठीक है। तो इसमें कोई कृत्य नहीं है और परंतु राज्य के द्वारा इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ठीक, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। जितनी भी आपके पास टाइटल हैं और ये सारी चीजें हैं, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, एकेडमिक का मतलब यहाँ पे आपके उसी टीचर्स से है जो पढ़ाई के क्षेत्र में, यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में बड़ा बड़ा काम करते, जिनको पुरस्कार दिया जाता है। तो ये तो आर्टिकल 18 में बात करते हैं, ठीक है।
तो आई थिंक आपको ये राइट टू इक्वलिटी क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 के बारे में बात की. नाउ कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल टू, राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम इन द सेंस की स्वतंत्रता का अधिकार. तो इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे 19 से लेके 22 तक की वो क्या क्या चीजों को बोलते हैं. तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जो आर्टिकल है 19, ये आर्टिकल 19 ही है और इस आर्टिकल 19 के 6 सेगमेंट कर दिए गए हैं. ठीक है, तो आप इस आर्टिकल 19 को पहले तो समझ लीजिए क्या है. प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता के ही संदर्भ में उन्होंने 6 चीजों को बताया है. तो मैं बता दूं क्या है. सबसे पहले तो जो दे रखा है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि उसको बोलने की स्वतंत्रता होगी. वो बोल सकता है अपने जो भी वो बोलना चाहता है, उसको अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता होगी. इसके अंतर्गत वो स्पीच दे सकता है, कहीं भी अपने थॉट को फ्रीली प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन पीसफुल तरीके से करेगा. वो कोई आर्गुमेंट या स्ट्रगल या मारपीट या लड़ाई या हथियार का यूज नहीं करेगा. अब वो अपने विचारों को प्रॉपर तरीके से रख सकता है. ठीक है, रख सकता है. और इसके बाद वो क्या कर सकता है, अगर वो अकेला है मान लीजिए, तो यहाँ पे वो क्या लोगों को इकट्ठा भी कर सकता है और करके रैली भी निकाल सकता है. लेकिन वो रैली निकालने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया तो है, लेकिन उसमें आपको क्या करना है, आपको कोई भी वेपन यूज नहीं करना है, कोई भी अधिकार यूज नहीं करना है, कोई भी गाली गलौच नहीं करना है. बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग तरीके से आप इस रैली को निकाल सकते हैं. जैसे अभी NRC और CAA पे बात हुई थी, तो जो रैली निकालने का रैली जो लोग निकाल रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट्स तो दिया है, लेकिन वो रैली में जो दंगा फसाद कर रहे थे उसका राइट्स नहीं दिया, इसीलिए गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ लिया. तो ये बहुत जरूरी है. ये आप 19 के 6 वो सेगमेंट्स को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ जाते हैं. तो उसको बोलने का है, बोलने का अधिकार है, अपने एक्सप्रेशन को प्रकट करने का अधिकार है. वो क्या कर सकता है, रैली भी निकाल सकता है, लोगों को कलेक्ट करके सभा भी बना सकता है. इसके बाद वो क्या करेगा, लोगों से जुड़ेगा, वहां पे अपना संघ भी बना सकता है, संस्था भी बना सकता है. उसकी भी उसको स्वतंत्रता होगी, लेकिन शांतिपूर्ण तंग तरीके से होगी. नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट, अपनी बात मनवाने के लिए वो क्या बहुत सारे आंदोलन भी कर सकता है. ठीक है, आंदोलन इन द सेंस की मतलब अपील कर सकता है. जैसे मान लीजिए किसी को नजरबंद कर दिया गया है तो उसके विरुद्ध अपील कर सकता है, किसी को बंदी बना लिया गया है तो उसके विरुद्ध अपील कर सकता है, और मान लीजिए संपत्ति का जो संपत्ति खरीदने और बेचने की जो स्वतंत्रता है उसको भी वो कर सकता है. ठीक, इसके बाद रेजिडेंस, मतलब भारत का जो स्वतंत्र नागरिक है उसको भारत में कहीं भी रहने का अधिकार प्राप्त है. ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशन, और वो जब कहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ खाएगा पिएगा, अपना पेट भरेगा, तो उसको अपना जीवन को एज अ प्रोफेशन कुछ भी काम करने की, प्रोफेशन से मतलब आपका यहाँ पे वर्क से रिलेटेड है. ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि वो कुछ भी किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए स्वतंत्र. तो ये आर्टिकल 19 के ही है, 6 पार्ट है यहाँ पे, टोटल 6 पार्ट है, और इनके बारे में ही हमने बात की यहाँ पे. तो आपको पता है ये आर्टिकल 1x1 मैंने बता दिया है. ठीक, तो ये सारे जो मोमेंट हैं इसको याद रखिएगा, स्पीच को याद रखिएगा. ये आर्टिकल 6 है जो फ्रीडम के बारे में बात करता है. आपको इतने तरीके की स्वतंत्रता मिली हुई है भारत में, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आर्टिकल 19 आप लर्न कर लीजिएगा अच्छे से. नाउ बात करते हैं प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वीनियंट. ठीक है, अभी हम आर्टिकल 20 की बात करते हैं. हमारा आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है ना, इसमें तो हमने 19 पढ़ लिया है, 19 के 6 सेगमेंट्स को पढ़ लिए. मैं इसलिए थोड़ा सा धीरे चल रही हूँ कि आपको ये आर्टिकल्स प्रॉपर लर्न हो जाए, है ना. मेरा मोटो यही है कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इस मेरे वाले नोट से ही आपको प्रॉपर ईजी याद हो जाए. प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी कि किसी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन करने पे जो भी पनिशमेंट मिलेगी उसी का प्रावधान है. मान लीजिए कोई लॉ है, उस समय जो लॉ बना है उसको उतनी ही पनिशमेंट दी जाएगी. दोहरा सेकेंड आप ये बोल सकते हैं कि उसको एक क्राइम के लिए या एक चोरी के लिए या एक मर्डर के लिए उसको दोबारा सजा नहीं दी जा सकती. एक बार से ज्यादा उसको दंड नहीं दिया जा सकता. जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे कि किसी ने मान लीजिए चोरी की, ठीक है, तो उस समय जो लॉ था, उस समय जो हमारा कानून था, उसको 6 महीने की सजा मिली उस समय. ठीक है, ये सजा मान लीजिए आपको 2000 से पहले की थी. अभी हम करंट में अगर बात करते हैं तो यही सजा को जो प्रावधान है 2020 चल रहा है ना हमारा, तो 2020 की अगर हम बात करते हैं तो यही सजा 6 ईयर में कन्वर्ट हो गई है. तो मतलब जैसा लॉ रहेगा, ठीक है, वो पनिशमेंट उसी के हिसाब से मिलेगी, उसको दोबारा उसी के हिसाब से पनिशमेंट नहीं दी जा सकती. यानी कि अगर किसी ने एक बार पैसे चोरी कर लिए हैं तो उसको कानून केवल एक बार ही दंड दे सकता है, उसको उसी पनिशमेंट के लिए उसको कानून दोबारा दंड नहीं दे सकता, यानी कि एक बार से अधिक दंड नहीं दे सकता है. ठीक है, इस लॉ को याद रखिएगा आप. नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी. आपको दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है, ये आर्टिकल पीछे आया था, आपको मैंने बताया भी था कि आर्टिकल 20 और 21 दोनों यही बात करते हैं कि आपको
अपने शरीर को जीने, अपने जीवन को जीने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन को व्यतीत करने का संपूर्ण अधिकार है। कानून इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा और उसे उसके लिए सजा जो मिलनी चाहिए वो सजा उसे वो नहीं दी जा सकती है, ठीक है, उल्लंघन करने पे अगर हम बात करते हैं तो। ये है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सन, अपनी पर्सनल स्वतंत्रता को बचाने के अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन से रिलेटेड जितने भी उसको फ्रीडम के राइट्स हैं, ठीक है, जब तक उसे किसी ऐसे कानून का उल्लंघन ना किया हो उसे उसे इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। यानी कि जिसने क्राइम किया है, ठीक है, अगर वो उसने क्राइम वो अगर वो क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है और मान लीजिए उसको पनिशमेंट मिल रही है या गवर्नमेंट पनिशमेंट दे रही है, गिरफ्तार करके ले गई है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का अधिकार रखता है, ठीक है, अपने आप को डायरेक्टली सजा नहीं दे सकता और कानून भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकती है, मान लीजिए उसने कोई भी गलत काम नहीं किया हो तो। नेक्स्ट है हमारा राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। आपको पता है अभी अभी ऐड हुआ, ये फंडामेंटल राइट में था, ठीक है, फंडामेंटल राइट में आ गया है आर्टिकल 21 अल्फा। तो इसमें क्या है, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं हमारे, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ये आर्टिकल 21A है, 21 अल्फा बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, और ये जो अपने जीवन से संबंधित दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 21 में है और ये 21A है, इसको याद रखिएगा। और 20 में मतलब वो एक बार पनिशमेंट करेगा तो उसको एक बार क्राइम करेगा तो उसको एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी, और 21 में क्या है, अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए वो पूरी तरीके से फ्री है, उसमें कोई भी कानून इंटरफेयर नहीं करेगा। और 21A में क्या है, 6 से 14 साल के सभी बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री दी जाएगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर वो गिरफ्तार कर कानून उसको गिरफ्तार कर रहा है किसी भी जुर्म में, ठीक है, तो उस व्यक्ति को ये राइट है कि वो अपने हिसाब से अपने वकील को चुन ले, ठीक है, और मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना उसको 24 घंटे से अधिक उसको जेल में नहीं रखेगा वो, ठीक है, देखा जाए तो नजरबंद नहीं किया जा सकता है उसको, तो सिर्फ 24 आवर के लिए, 24 आवर से ज्यादा उसको नहीं रख सकता है अगर उसने कोई क्राइम नहीं। और दूसरी चीज इस आर्टिकल में, मान लीजिए अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करने आई है तो वो अपने वकील से बात कर सकता है, अपनी इच्छा के हिसाब से अपने वकील को चुन सकता है और बिना मजिस्ट्रेट के उसको 24 घंटे से अधिक अरेस्ट नहीं कर सकता। यानी कि अगर उसने रख लिया है और अब वो चीज मान लीजिए प्रूफ नहीं हुई तो उसको 24 घंटे ज्यादा जेल में नहीं रख सकता, उसको ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हो गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो शोषण आपको पता है कि हायर क्लास के लोग लोअर क्लास का शोषण करते हैं, शोषण में यहाँ पे हम लेबर श्रम भी चाइल्ड लेबर भी मान सकते हैं मान लीजिए, तो ये सारी चीजें भी हैं। तो इसके अंतर्गत दो ही आर्टिकल हैं हमारे, 23 और 24, छोटा सा है ये पढ़ लेते हैं फटाक से। आर्टिकल 23 और 24 क्या कहते हैं, तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, तो संविधान का जो अनुच्छेद 23 और 24 है उसके अंतर्गत शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको जैसे हम हैं तो हमें कोई बेच नहीं सकता है, ठीक है, है ना, हमारा कोई हमें कोई बेच के पैसा नहीं ले सकता है, या मान लीजिए लेबर बच्चे को कोई बाल श्रम में नहीं लगा सकता है, मान लीजिए 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको कारखानों में भी काम नहीं लगा सकते। ये बात आप अभी भी जानते हैं कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को हम बाल मजदूरी नहीं करा सकते हैं, कानून ने उसके लिए लॉ बना दिया है उनके लिए। यानी कि आपका जो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का अधिकार है, ये अधिकार बना दिया है और उसके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। तो पढ़ते हैं 23, बहुत इजी है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड द फोर्स्ड लेबर। देखिए हम मानव का क्रय विक्रय मतलब हमको बेच नहीं सकता, किसी मानव को उनकी परमिशन के बिना उसको बेच नहीं सकता, मतलब ये सारी चीजें बैंड कर दी गई हैं, ये बैंड है सब हमारे यहाँ इंडिया में, बैंड इन द सेंस कि हम मानव की तस्करी नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि लड़कियों को बेच देते हैं, सारी चीजें बहुत सारी चीजें रहती हैं, और कुछ लोग और भी मेल में भी है, ऐसा नहीं कि लड़की को ही बेच देते हैं, मान लीजिए किसी बिजनेस के पर्पज से या कुछ भी अपना करने के पर्पज से, पहले गुलाम वाली संस्था थी तो गुलाम मजदूर क्या होते थे, बेच दिए जाते थे बाहर वाले लोगों को जो फॉरेन के लोग थे या जिनसे मजदूरी कराई जाती थी, तो ये सारी चीजें थी, तो वो सारी चीजों पे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। और दूसरी चीज हमको जो मतलब जैसे मान लीजिए हमने कहीं काम कर लिया है तो हमें उसका पेनल्टी, अरे हमें उसका फीस जरूर मिलेगा, ठीक है, उसके बिना वो कोई काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक। तो मतलब हमने अगर कहीं काम किया है तो हमें पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, इस पे भी आप एक्शन ले सकते हैं। अगर आपका मालिक आपको मजदूरी नहीं दे रहा है तो आप इसके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ह्यूमन राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन द फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। आपको ये पता है कि
14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको कारखानों में और जो ये मिल्स वगैरह चलती हैं, कारखाने खाने हो गई या कुछ भी जो रिस्की वर्क है, ठीक है, उनमें नौकरी रखने पर पूरी तरीके से बैंड है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड लेबर बैंड है पूरी तरीके से देखा जाए तो। ये आर्टिकल 24 की बात करते हैं, तो चाइल्ड लेबर बैंड है, आप 14 वर्ष से कम के बच्चों को नौकरी पे नहीं रख सकते, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। हमने तीन फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू इक्वलिटी। फिर भी आपको कुछ भी दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। जो नेक्स्ट के थ्री लॉज हैं वो अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि आपको ये लेक्चर प्रॉपर तरीके से याद हो जाए, आपको ज़्यादा इस पर स्ट्रगल ना करना पड़े। इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा टफ भी पड़ता है। तो तीन फंडामेंटल राइट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, आज के लिए बस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज। इसके नेक्स्ट वाले जो तीन बचे हुए हमारे फंडामेंटल राइट्स अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सपोर्टिव लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। साइनिंग ऑफ, अर्चना शर्मा।